उसमें मेरा सबसे फेवरेट जो सॉन्ग है मेरा सपना चौधरी जी के साथ आया था मेरा चांद, जो कि मेरा सेकंड सॉन्ग था और काफ़ी हिट रहा था, मुझे बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट रहेगा वो बिल्कुल। वैसे मेरा आज आपको पता गला बैठा हुआ, लेकिन फिर भी हाय रे तू सुतरी उतरी चांद ते दिल पे चोट मारगी, बची कुची तेरे घूंघटे आली ओट मारगी। जी ये गुना ना, आप जैसी खूबसूरत लड़कियां देखता हूँ वहां से आ जाता मुझे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं युवा पुलिका। दोस्तों हमारे साथ हैं हरियाणा के मशहूर सिंगर और एक्टर नवीन नारू जी। तो नवीन नारू जी का सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी युवा बोलेगा के मंच पर। नवीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और युवा बोलेगा की जितनी भी टीम है और जितने भी दर्शक है सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम, और स्पेशली प्रियंका जी आपको भी जी राम राम। मैं भी यही बोलना चाहूंगी। तो नवीन जी आज हम आपसे आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातें पूछना चाहेंगे। आप इस मुकाम पर हैं, आपको लोग काफी प्यार देते हैं आपके गानों को आपको, ठीक है, तो आपने अपने इस करियर की शुरुआत कब करी और आपको ये कब जहन में आया कि नहीं मुझे सिंगर बनना है, मुझे हरियाणा इंडस्ट्री में आगे जाके मुझे एक मुकाम हासिल करना है, तो आपके जहन में ये बात कब आई और कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई? एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया था 2018 से पहले, और जब मैं वापिस आया इंडिया में तो मैं राजस्थान में मेरे दोस्तों के साथ था, और जो एक कलाकारी की जो एक अंदर की जो भड़ास थी, तो दोस्त बैठे हुए थे साथ में, तो सपना चौधरी जी का जिक्र चला हुआ था उसमें, तो उनके उस टाइम पे जो बिग बॉस में भी थी वो, तो कि भाई आपको ना इस लाइन में आना चाहिए, हरियाणा के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे दोस्तों ने कहा कि आपके अंदर वो टैलेंट है, तो मेरे दोस्तों से इंस्पायर होके मैं फिर वहां से राजस्थान से, जो मैंने मामा नवीन विशु जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिए, जो उन्होंने गाने लिखे 2018 में, जो हमने नवीन विशु जी के साथ जो हमने सफर किया उनका आशीर्वाद रहा। मेरे मामा जी हैं, उन्होंने मोस्टली जो मैंने गाने किए उनके किए हैं, और उनके आशीर्वाद से आज भगवान की दया से 2 साल में ही हमने काफी अच्छा मुकाम हासिल किया। हरियाणवी गाने जितने भी आपने किए हैं उनमें से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो कि आपका खुद का सॉन्ग हो? उसमें मेरा सबसे फेवरेट जो सॉन्ग है मेरा सपना चौधरी जी के साथ आया था मेरा चांद, जो कि मेरा सेकंड सॉन्ग था और काफी हिट रहा था, मुझे बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट रहेगा वो। तो फेवरेट है आपका, तो आप 2 लाइन गुनगुना के भी दिखा दीजिए हमको भी और दर्शकों को भी। बिल्कुल, वैसे मेरा आज आपको पता गला बैठा हुआ, लेकिन फिर भी हाय रे तू सुतरी उतरी चांद ते दिल पे चोट मारगी, बची कुची तेरे घूंघटे आली ओट मारगी। तू सुतरी उतरी चांद ते दिल पे चोट मारगी, बची कुची तेरे घूंघटे आली ओट मारगी। बात है, बहुत ही बढ़िया। तो उन्हें बहुत अच्छा कॉमेडियन भी कहा जा सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। तो नवीन जी ये गुण आपके अंदर कहाँ से आया? जी ये गुण है ना, आप जैसी खूबसूरत लड़कियां देखता हूँ वहां से आ जाता मुझे। देखिए ये एक कला है, ये अंदर से निकलती है, मुझे भी नहीं पता जब मैं स्टेज पे होता हूँ, सीरियसली मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, पर अपने आप ही जो है ऑटोमेटिक निकलता है। कलाकार के गुण लगा लीजिए, ये एक आंतरिक जो अपनी इच्छा है वो लगा लीजिए, वो ही वहीं से स्टार्ट होती है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं और कितना जल्दी मतलब आपके फैंस को वो गाने आपको देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, मेरे बहुत अच्छे अच्छे अभी एक रिसेंटली सॉन्ग आएगा बहुत जल्द, डीजे बजवा दूंगी 3, जो कि फर्स्ट पार्ट बड़ा हिट रहा था वो नीतू वर्मा जी के साथ था, और अब है प्रांजल दहिया जी और रेणुका पवार के साथ, और जो है बड़ा हिट सॉन्ग आया है अभी सुल्फा जेवड़ी, काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो है मेरे अभी आने वाले। तो जो आपका प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या आपकी उसकी 1-2 लाइन गुनगुना के हमारे दर्शकों को जरूर सुनाए? हो यारी मेरे गल्ला ला के मन सपने दिखा के, ब्याह होर किसे गल तू कर राज हैगी, और हम के साफदू मारा किला भी खागी तू। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ नवीन नारू जी, और एक एक्टर भी हैं साथ ही एक कॉमेडियन भी हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन अविरल के साथ प्रियंका जैन, युवा बोलेगा, नमस्कार।